आप लोग सभी लोग जानते होंगे शायद कि अगर अपनी संस्कृति को कोई साथ में लेकर चल रहा है अभी भी, यानी कि 21वीं सदी में, तो वो आपको दिखेंगी जनजातियां। अभी भी आप देख लीजिए इनके क्षेत्र में जाकर देखिए, या वे अभी भी अपने परंपरागत जो भी उनकी संस्कृति रही है उसको साथ लेकर चल रहे हैं। हम अपनी देख सकते हैं, हिंदू संस्कृति को हम लोग बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। एक तरह से हमारे में भारत की जो असली आत्मा थी उसे भी हम लोग भूलते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर, एक तरह से कल्चर को हमारी संस्कृति है, इसे बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है 1947 के बाद से के सालों में। आपने देखा है कि हमारे ऊपर हजारों साल पहले का इतिहास है हमारा, उसमें आपने देखा है कि कई तरह के आक्रमण हुए, अंग्रेज, मुस्लिम, तरह तरह के आक्रमण हुए, किसी ने हमारी संस्कृति को धक्का नहीं दिया, कोई हमारी संस्कृति को खत्म नहीं कर पाया। लेकिन 1947 के बाद हम लोग जैसे ही आजाद हुए, सबसे ज्यादा इसी टाइम में आपने देखा है हमारी संस्कृति से को ठेस पहुंचा है। तो बोंडा जनजाति अभी चर्चा में है, क्योंकि आप देखेंगे ये आपकी उड़ीसा के मलकानगिरी जिले की पहाड़ी इलाके में निवास करने वाली बोंडा जनजाति है। इसमें लोग COVID-19 से संक्रमित पाए गए हैं। अभी जान रहे हैं COVID-19 आपकी एक महामारी है, इससे वैसे तो आप देखेंगे कोई भी देश नहीं बचा हुआ है। लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एक समय हम लोग भी देखा करते थे अपने विकास दर 7.4, 7.5, 7.6, आज हर आपकी रेटिंग एजेंसी बता रही है कि 1 से 1.5% या बहुत से 2.5% तक बता रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से हमारी विकास दर गिर चुकी है। तो इनमें भी आपने देखा है कि COVID-19 से ये लोग भी संक्रमित पाए गए। एक बार मैप्स में आप लोग देख सकते हैं इनकी स्थिति, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अगर जब भी इस तरह के ये लोग चर्चा में रहते हैं तो क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं जनजातियों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PPSC में भी आप देखते रहते हैं। ये है उड़ीसा में मलकानगिरी जिला, ठीक है। ये भी अभी भी देखिए पारंपरिक रूप से रहते हैं बड़े, मतलब आप एक तरह से सोच सकते हैं कि मूल अपनी जो भी इनकी संस्कृति है उन्होंने इन्होंने उसे सुरक्षित रखा हुआ है। आज हम लोग देखिए कि हमारे जो भी पारंपरिक त्योहार हुआ करते थे उन्हें हम लोग एक तरह से भूलते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। एक आप उसे ही ले लीजिए, किसे, दीपावली को, कितने दिन पहले से हम लोग तैयार होने लगते थे और एक मतलब जुनून टाइप का रहता था। आज हम देखते हैं कि सब मतलब एक तरह से खत्म होते जा रहे हैं, कोई किसी को टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो यही देखा जा रहा है। लेकिन ये लोग अभी भी अपनी जो भी संस्कृति है उसे बचाए रखे हुए हैं। बोंडा जनजाति के बारे में बात करूं तो बोंडा मुंडा ने जातीय समूह से संबंधित एक जनजाति है, जो आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के जंक्शन 3 राज्यों की आपस में मिलने वाली सीमा के पास दक्षिण पश्चिम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के पहाड़ी जिले में निवास करती है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कहाँ निवास करती है, तो आपको याद करना है मलकानगिरी जिले उड़ीसा में, देख लीजिए एक बार ये आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया या आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, क्योंकि इसमें हाल में ऐसे क्वेश्चंस बन जाएगा कि हाल में ही एक जनजाति अभी चर्चा में रही वो कहाँ निवास करती है, उसके बारे में कुछ और कोई पॉइंट दे दिए जाएंगे, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। यह जनजाति उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में खैरापुट ब्लॉक की पहाड़ियों में छोटी छोटी झोपड़ियों वाली बस्तियों में निवास करती है। ये भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं और रेमो के नाम से भी जाने जाते हैं। बोंडा भाषा में रेमो का मतलब होता है लोग। तो याद रखिए ये लोग अभी भी, इन्हें कई तरह के मतलब लाभ की बात की गई कि अपना जो भी पारंपरिक काम करते हैं उसे छोड़कर कुछ और करने लगे, लेकिन ये हम ऐसा आप देखते हैं कि ये कई लोगों को मार भी देते हैं अपनी संस्कृति को बचाने के चक्कर में। यहाँ यानी कि इनके क्षेत्र में जाकर कोई अगर छेड़छाड़ करता है इस तरह के मामलों में तो ये उसे मार भी देते हैं, समझ रहे हैं। एक समय हम देखते थे ना कि हमारे जो भी संस्कृति हुआ करती थी, हमारे देश के कई नेता, आपने देखा होगा, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, 1947 के बाद के जो भी नेता है उनने तो अपनी परिभाषा ही बदल दी है, तो उन्हें आज के नेताओं को मत कंपेयर, उनसे तुलना कीजिए, क्योंकि ये तो उन नेताओं की बेइज्जती हो गई जिन्होंने देश के लिए खून पसीना, ये
करके दिया। आप समझिए कि 14-15 साल की उम्र में शहीद हो गए, जो उम्र मतलब खेलने की थी वो उसमें शहीद हो गए देश के लिए। तो उनकी अलग बात है, इनकी अलग बात है। तो इन्हें भारत के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारत में इनकी संख्या की अगर बात करूं तो 7,000 है। कितनी है? 7,000। ये अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। और बोंडा को दो समूह में विभाजित किया गया है। लोअर बोंडा, ये आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे दक्षिणी दक्षिण उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में रहते हैं। और दूसरा है अपर बोंडा, ये मलकानगिरी जिले के सुदूर गांव के पहाड़ी इलाके में रहते हैं। तो इसके दो पॉइंटों में बांटा गया है, लोअर बोंडा और अपर बोंडा, इन्हें भी याद रखिए। क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से बन सकता है, इसलिए ध्यान से रखना है। गोफाम, भारत में बंधुआ मजदूरी या फिर गोटी प्रणाली को बोंडा लोगों द्वारा गोफाम के रूप में जाना जाता है। गोफाम शब्द को ये भी याद रखिए, ठीक है। जो भारत में बंधुआ मजदूरी या फिर गोटी प्रणाली होती है को बोंडा लोग किसके द्वारा जानते हैं? गोफाम के रूप में जानते हैं। उड़ीसा में जनजातियां और COVID-19 की महामारी की बात करूं तो उड़ीसा 62 जनजातीय समुदाय, भारत में जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा विविध समूह का निवास है उड़ीसा में। इनमें से 13 जनजातियां PBTGT के अंतर्गत आती हैं। उड़ीसा में लगभग 20 ब्लॉक ऐसे हैं जहां 13 PBTGS की बड़ी आबादी निवास करती है। गौरतलब है कि इनमें से प्रत्येक ब्लॉक में COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। अभी उड़ीसा में संपूर्ण जनजातीय आबादी 7 जिलों के कंधमाल, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़ तथा 6 अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। उड़ीसा सरकार ने 10 जनजातीय भाषाओं में COVID-19 जागरूकता पत्रक का अनुवाद भी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय लोग इसके दिशा निर्देशों का गाँव में प्रभावी रूप से उपयोग कर सके। तो ये थी आपकी बोंडा जनजाति, ठीक है। अगर इससे आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो अच्छे से देख लीजिए।